हेलो दोस्तों, विंग्स इंडिया के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के यूनिट सेकंड के लेक्चर नंबर 5 में। लेक्चर नंबर 4 में हमने बात किया था कि कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं उसके बारे में हमने क्या किया था, बात किया था। इसमें हम आइए जानते हैं वेस्पर थियोरी के बारे में। वेस्पर थियोरी का फुल फॉर्म क्या होता है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियोरी। आइए हम इसके बारे में जानते हैं, थोड़ा सा उसको हम रिकॉल करवा देते हैं कि कैलकुलेशन करते हैं कैसे करते हैं हाइब्रिडाइजेशन का। कोई भी मॉलिक्यूल दिया है, जैसे देखो क्या करेंगे, जो भी मॉलिक्यूल दिया है उसका क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, सम करेंगे, यानी कि उसको जोड़ देंगे। जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिया है उसको जोड़ देंगे। अगर 2 से ज्यादा, 8 से कम या 8 के बराबर वैल्यू आया है तो उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। अगर 8 से ज्यादा और 56 से कम आया है तो 8 से डिवाइड करेंगे। अगर फिर 56 से ज्यादा आया है उसको तो हम 18 से डिवाइड करेंगे। इसी प्रकार करके हम क्या निकालते थे, उसका क्वाशेंट निकालते थे। क्वाशेंट को हम क्या लोग हम लोग क्या बोलते थे, स्टेरिक नंबर बोलते थे। स्टेरिक नंबर ही आपका क्या होता था, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होता था। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल किसको बताता था, हाइब्रिडाइजेशन को बताता था। जैसे अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका 2 है तो sp होगा, 3 है तो sp2 होगा, 4 है तो sp3 होगा, 5 है तो sp3d होगा, 6 है तो sp3d2 होगा, 7 है तो sp3d3 होगा। इस प्रकार से हमने क्या किया था, विस्तार पूर्वक वर्णन किया था। आइए इसमें हम जान लेते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के बारे में। देखो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी यानी कि वेस्पर थ्योरी की हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो तुम्हारा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी था वो सिर्फ किसकी व्याख्या करता था, सिर्फ किसकी व्याख्या करता था, आपका ज्योमेट्री की व्याख्या करता था कि कोई भी मालिक्यूल कैसा, मतलब उसका ज्योमेट्री कैसा होगा। देखो वेस्पर और हाइब्रिडाइजेशन ये दोनों क्या किए, सिर्फ ज्योमेट्री की व्याख्या की कि कौन सा मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कितना होगा, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि उसका शेप कैसा होगा। जैसे जैसे आपका देख लीजिए H2 मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल में ये तो बता दिए कि क्या कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसकी ज्योमेट्री क्या होगा आपका, इसका ज्योमेट्री आपका टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल होगा। इसकी सिर्फ ज्योमेट्री की व्याख्या करते थे, किसकी व्याख्या करते थे, ज्योमेट्री की, ज्योमेट्री की व्याख्या करते थे। ये ज्योमेट्री को ही शेप बता देते थे, लेकिन कोई जब मॉलिक्यूल में आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आने लगा किसी भी सेंटर मॉलिक्यूल में तो क्या हुआ, उसका जो ज्योमेट्री था और शेप था दोनों क्या होने लगे, अलग अलग दिखने लगे। तो उसी की व्याख्या किसने की थी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी यानी कि वेस्पर थियरी ने क्या की थी, उसकी ज्योमेट्री और शेप का दोनों की व्याख्या किसने की थी आपका, वेस्पर थियरी ने। वेस्पर थियरी ने बताया कि अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो क्या होते हैं, उसमें मैक्सिमम रिपल्सन पाया जाता है। मैक्सिमम रिपल्सन पाया जाने के कारण क्या होता है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, कम होने लगता है। इसलिए क्या हुआ, उसकी जो ज्योमेट्री है उस शेप में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। इसकी व्याख्या किसने की थी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन ने की थी। चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में, दिस थियरी वाज प्रपोज बाई सिडविक एंड पावेल ने। किसने इसको प्रपोज किया था, सिडविक एंड पावेल ने इन 1940 में, यानी कि 1940 ईस्वी में सिडविक एंड पावेल ने इसको क्या किया था, प्रपोज किया था। लेकिन क्या इसको क्या किए, डेवलपमेंट एंड क्या किए, रीडिफाइन, क्या किए, निहायलम और जिलेस्पी ने 1957 ईस्वी में इसका क्या किया, जो भी उन्होंने प्रपोज किया था उसको क्या किया, डेवलपमेंट किया, थोड़े से सुधार किए, उसको रीडिफाइन कर दिए और बताया कि ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल एंड आयन, आयन की ज्योमेट्री और शेप के बारे में क्या किया, अच्छे से क्या किया, एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थियरी, बताया कि ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ आयन डिपेंड अपॉन द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो जो ज्योमेट्री और शेप किस पे डिपेंड होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर पे और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, प्रेजेंट ऑन अ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे क्या करता है आपका, ज्योमेट्री और शेप क्या करता है, निर्भर रहता है। विच अरेंज सेल्वेज, जो अपने क्या करते हैं, अरेंज करते हैं इन सच वे दैट देयर इज अ मैक्सिमम रिपल्सन, अपने को इस तरह से क्या करते हैं, अरेंज करते हैं कि उसमें क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है, रिपल्सन पाया जाता है, उसमें क्या होता है, मैक्सिमम रिपल्सन पाया जाता है। एंड दस मॉलिक्यूल हैज मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। देखो मैक्सिमम रिपल्सन के कारण क्या होता है, मॉलिक्यूल में मिनिमम एनर्जी होती है और मैक्सिमम क्या होते हैं, स्टेबिलिटी होती है। जैसे NH3 मॉलिक्यूल ले लीजिए, NH3 मॉलिक्यूल आप लेंगे तो देखेंगे इसमें क्या है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 5 का इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, इसके इसके एक एक पाया जाता है, इसमें कितने पाए जाते हैं, 5 पाए जाते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और 2 इस साइड हो गया। देखो इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, देखो ये क्या किया अपना अष्टक पूरा क्या किया, हाइड्रोजन क्या करता है, अष्टक नहीं अपना सेकेंड, मतलब
दो ही उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मतलब दो शेल क्या करता है अपना पूरा करता है, और नाइट्रोजन क्या करता है अपना एटो इलेक्ट्रॉन क्या करता है अष्टक क्या करता है पूरा करता है। देखो कैसे, सॉरी फॉर ए, यहाँ से देखो दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन, यानी कि दो दो द्वारा दो छह दो आठ, यानी क्या कि ये क्या कर लिया अपना अष्टक पूरा कर लिया। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, ने इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताया, इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली में होता कैसा है। उन्होंने बताया जो नाइट्रोजन होता है इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, ऊपर पाया जाता है, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा ऊपर पाया जाएगा, और जो हाइड्रोजन होंगे कहाँ पाए जाएंगे नीचे पाए जाएंगे, कहाँ पाए जाएंगे नीचे पाए जाएंगे। इस तरह क्या होता है इसका स्ट्रक्चर होता है। देखो ये क्या करता है, इन लोन पेयर में क्या होता है मैक्सिमम रिपल्शन पाया जाता है, मैक्सिमम रिपल्शन कारण ये ऊपर पाया जाएगा और दोनों जो बॉन्ड एंगल है इसको क्या करेगा झुका देगा, क्या करेगा इसको झुका देगा, यानी कि इसको जो बॉन्ड एंगल है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाने के कारण क्या हो जाता है कम हो जाता है, और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाता है। कैसा हो जाता है आपका पिरामिडल शेप। वैसे देखो इसका ज्योमेट्री कैसा होगा आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा इसका, इसको मिटा देते हैं थोड़ा। देखो इसका ज्योमेट्री कैसा होता है, आप अगर निकालेंगे इसमें, अगर इसका आप निकालेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है नाइट्रोजन का पांच है, इसमें देखेंगे तुम्हारा एक गुड़े तीन, यानी तीन एक का तीन पांच तीन आठ हो गया, क्या हो गया आठ हो गया। आठ को किससे डिवाइड करेंगे, आठ को अगर दो से डिवाइड करोगे तो दो चौक आठ, यानी कि चार आ गया, यानी कि तुम्हारा एस पी थ्री आ गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका एस पी थ्री हो गया, एस पी थ्री हो जाने के कारण क्या होता है sp3 हो गया, तो ज्योमेट्री कैसा होगा इसका, ज्योमेट्री कैसा होगा टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। और शेप कैसा होता है इसका, शेप कैसा होता है पिरामिडल शेप होता है, पिरामिडल शेप, पिरामिडल शेप होता है। इतना क्या है आपका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। अब आइए हम इसके मेन पैचू लिस्ट के बारे में बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। आइए अब बात करते हैं उसके पास्टुलेट के बारे में कि बेसपर थियरी का मेन पास्टुलेशन क्या है। देखो इसका मेन पास्टुलेशन क्या है, पहले ये वाला टॉपिक लिखते हैं नंबर सिक्स वाला, कि ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल। इसका मतलब समझते हैं, जो ज्योमेट्री होता है किसी मॉलिक्यूल का, जो ज्योमेट्री हम लोग बताते हैं ना कैसे बताते हैं, उसमें टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दोनों को काउंट करके किसकी व्याख्या करते हैं, उसकी ज्योमेट्री की व्याख्या करते हैं। वहीं बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि जो भी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे काउंट करेंगे सेंट्रल एटम की, तो क्या किसकी व्याख्या हो जाएगा आपका ज्योमेट्री की व्याख्या हो जाएगा। उसके बाद क्या है, द मॉलिक्यूल विच सेंट्रल एटम सराउंडेड बाय द ओनली बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो जो भी मॉलिक्यूल अगर सेंट्रल एटम जो भी सिर्फ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर से सराउंडेड है उसकी ज्योमेट्री कैसा होगा, रेगुलर ज्योमेट्री होगा। जैसे BeF3 हो गया, CH4 हो गया, CCl4 हो गया, BF3 हो गया, AlCl3 हो गया, AlCl PCl5 हो गया, CF6 हो गया, ये सब क्या है इसमें सिर्फ क्या होता है, जैसे आप इसका देखेंगे BF3 का देखेंगे, BeF3 का देखेंगे यार, इसमें क्या होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन BF3 होता है, BeF3 नहीं BF3 होता है, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने सेंट्रल मेटल कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है तीन होता है, कितना होता है तीन होता है, ये तीनों तीन से लग जाएंगे, तो इसमें सिर्फ क्या है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगा रेगुलर होगा। इसी तरह आप CH4 का देखेंगे जब तो ज्योमेट्री कैसा होता है इसका, रेगुलर ज्योमेट्री होता है इसमें, क्योंकि सिर्फ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, क्या है सिर्फ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद देखिए, द मॉलिक्यूल इन विद द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय द बोथ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव अ रेगुलर ज्योमेट्री। जैसे हमने आपको NH3 के बारे में बताया था, NH3 हो गया, H2 हो गया, इनमें क्या होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आने जाने के कारण क्या होता है इनकी ज्योमेट्री इरेगुलर हो जाती है। उसके बाद क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपेल एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन पेयर, क्या करता है लोन पेयर जो होता है ना वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन बगल वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है रिपेल करने लगता है। इसका देखो जो बॉन्ड ऑर्डर है ये क्या है बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्या है वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको बुलाना मत,
लोन लोन पेयर में सबसे ज्यादा क्या होता है, रिपल्सन होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है, फिर बॉन्ड पेयर में होता है। सबसे ज्यादा रिपल्सन किसमें होता है, लोन पेयर में होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है, फिर बॉन्ड पेयर में होता है। उसके बाद क्या है कि ग्रेटर इज द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है, ग्रेटर इज द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेसर इज द बॉन्ड एंगल, जितना ज्यादा तुम्हारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही कम क्या तुम्हारा होगा, बॉन्ड एंगल होगा, जो क्या करेगा बीच का डिस्टॉर्शन ऑफ ज्योमेट्री, जो ज्योमेट्री को क्या करेगा डिस्टॉर्ट कर देगा। उसके बाद क्या है तुम्हारा, रिपल्सन इन इलेक्ट्रॉन इन कंप्लीट सेल इज मोर देन इनकम्प्लीट सेल। देखो जो रिपल्सन होता है किसी भी मॉलिक्यूल में, अगर उसका सेल जो है कंप्लीट है, जैसे देखो एक तुम्हारे क्या है, जैसे पी ऑर्बिटल हो गया, इसमें अगर सभी क्या है कंप्लीट है, तो इसमें क्या होगा सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा और इसमें क्या होगा कम रिपल्सन होगा। देखो इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन पेयर खाली है, इसमें क्या है सब ऑर्बिटल क्या है फुलफिल है, तो इसमें क्या होगा मोर तुम्हारा क्या होगा सबसे ज्यादा क्या होगा रिपल्सन होगा, इसमें क्या होगा कम रिपल्सन होगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट तो बता ही दिया है, ज्योमेट्री किसकी व्याख्या करता है, लोन पेयर एंड, देखो लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर दोनों मिलाकर क्या करेंगे ज्योमेट्री की व्याख्या करता है। इतना क्या है तुम्हारा, ये मेन पॉस्टुलेट है। अब आइए हम बारी बारी से जानते हैं एक एक मॉलिक्यूल का कि उसमें बॉन्ड एंगल कितना पाया जाएगा, कितना उसका ज्योमेट्री होगा, क्या उसका शेप होगा, इन सब के बारे में हम क्या करेंगे आइए विस्तार से जानते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। आइए जानते हैं H2O मॉलिक्यूल के बारे में, H2O सॉरी मॉलिक्यूल H2O मॉलिक्यूल के बारे में जानते हैं। देखिए इसका जीवित पहले हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, देखिए भैया इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, ऑक्सीजन का 6 हो गया प्लस 1 × 2, यानी 6 + 2 = 8, 8 को किससे डिवाइड करेंगे भैया 2 से, क्या होगा तुम्हारा 2 × 4 = 8 कट जाएगा, 4 आया तुम्हारा क्वोशेंट नंबर, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना आया तुम्हारा 4 आया, इसको क्या बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्या बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ऐसे लिखो। इसमें लिखने के लिए आता है तो क्या लिखेंगे आप, इन H2O मॉलिक्यूल, इन H2O मॉलिक्यूल, इन H2O मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन 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 इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 देन देन इट्स मॉलिक्यूल इट्स हैव देन इट्स हैव देन इट्स हैव कौन सा ज्योमेट्री होगा भैया, टेट्राहेड्रल, कौन सा होगा इट्स है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल शुड हैव 109 °28". देखो अगर कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो उसका बॉन्ड एंगल कितना होता था 109 °28". बट इन H2O मॉलिक्यूल, इन H2O मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल ऑक्सीजन हैज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन हैज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन दैट डिस्टॉर्टेड 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 द बॉन्ड एंगल स्टार्टेड द बॉन्ड एंगल विच इज 100 कितना होता है 104
4.5 डिग्री होता है। क्या होता है? 104.5 डिग्री होता है। कितना होता है? 104.5 डिग्री होता है। देखो इसका लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन निकाल लो। लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम निकालने के लिए क्या करोगे? कितना है भैया? 4 आया है। क्वासेंट नंबर कितना है? 4 आया है। लोन सराउंडिंग एटम कितना है? 2 है। तो आपका कितना आ गया? 2 आ गया आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। देखो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आने के कारण क्या होता है? बॉन्ड एंगल क्या होता है? 109 डिग्री 28 मिनट के बावजूद कितना होने के बावजूद कितना हो जाता है? 104.5 डिग्री हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? देखो इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये तुम्हारा क्या होगा? ऑक्सीजन हो गया, ये तुम्हारा क्या हाइड्रोजन हो गया, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक यहाँ, एक एक यहाँ और एक यहाँ। वैसे इसका स्ट्रक्चर बनाओगे देखो, इस तरह से क्या बनता है? इसका स्ट्रक्चर बनता है। इस तरह से क्या बनता है? इसका स्ट्रक्चर बनता है। थोड़ा अच्छा से बना देते हैं इसको। इस तरह से क्या बनता है? इसका स्ट्रक्चर बनता है। ये क्या है आपका? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है? 104.5 डिग्री। कितना होता है? 104.5 डिग्री होता है। देखो अगर हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करोगे, अरे ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन देख लो पहले। हाँ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करोगे तो sp3, ज्योमेट्री देखोगे तो तुम्हारा टेट्राहेड्रल होगा। सॉरी फॉर दैट, टेट्राहेड्रल होगा। और शेप देखोगे तो शेप कैसा होगा इसका? टेट्राहेड्रल वी शेप्ड होता है। कैसा होता है? शेप देखोगे तो कैसा होता है? टेट्राहेड्रल वी शेप्ड। कैसा होता है? टेट्राहेड्रल वी शेप्ड होता है। और बॉन्ड एंगल कितना होता है? बॉन्ड एंगल देखोगे तो 104.5 डिग्री। कितना होता है? 104.5 डिग्री। इस तरह से क्या करोगे तुम? इसका डायग्राम बनाओगे, इस तरह से लिखोगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो। उसके बाद आओ जानते हैं NH3 मॉलिक्यूल के बारे में। इसके बारे में NH3 मॉलिक्यूल, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए जानते हैं अभी NH3 मॉलिक्यूल के बारे में। इसी तरह जितने भी अगर देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पे आएगा उसका क्या होगा? बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा, जिससे क्या होगा? उसके शेप में चेंजिंग आ जाएगी। नहीं तो जो ज्योमेट्री होता है वही देखो शेप कैसे निकालते हैं, ज्योमेट्री कैसे निकालते हैं। देखो ज्योमेट्री ज्योमेट्री एंड शेप। देखो ज्योमेट्री में क्या करते हैं? तुम्हारे बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर दोनों को काउंट करते हैं, लेकिन शेप में क्या करते हैं? सिर्फ तुम्हारे बॉन्ड पेयर को क्या करते हैं? काउंट करते हैं। सिर्फ तुम्हारे क्या करते हैं? बॉन्ड पेयर को काउंट करते हैं। इसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को क्या करते हैं? काउंट करते हैं। जैसे आओ NH3 देखो, NH3 मॉलिक्यूल के बारे में देखोगे, NH3 मॉलिक्यूल के बारे में देखोगे तो तुम्हारा ये 5 3 × 1 यानी कि 5 3 8 आठ है। 8 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 4। यानी कि sp3 कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था? 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, लेकिन 109 डिग्री 28 मिनट के न होने के बावजूद कितना होता है? 107 डिग्री होता है। कितना होता है? 107 डिग्री होता है। कितना होता है? 107 डिग्री होता है। क्यों होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाने के कारण। क्यों? देखो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम कैसे निकलता है? क्वेश्चन नंबर कितना है इसका? 4 है। सराउंडिंग एटम कितना है? 3 है। कितना होगा इसका? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाने के कारण। इसलिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है NH3 का? यान ये है, एक एच इधर, एक एच यहाँ पर, एक एच यहाँ पर। यहाँ पर क्या आता है तुम्हारा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है जो मैक्सिमम क्या करता है? रिपल्शन करता है, जिससे तुम्हारा क्या करता है? बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के बावजूद कितना होता है? 107 डिग्री हो जाता है। देखो इसका क्या है? देखो
अगर आप हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, ज्योमेट्री देखोगे, ज्योमेट्री कितना होता है, देखो ज्योमेट्री क्या होता है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप देखो, शेप शेप क्या करते हैं, शेप क्या करते हैं, बॉन्ड एंगल को देखते हैं, इसको क्या करो छुपा दो और इसको देखो ये कैसा है, दिख रहा है आपका पिरामिडल शेप देख रहा है, दिख रहा है देखो ये 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 क्या है, पिरामिड जैसा दिख रहा है, देख क्या होगा पिरामिडल, पिरामिडल शेप क्या हो गया तुम्हारा, पिरामिडल शेप हो गया। और बॉन्ड एंगल कितना हुआ तुम्हारा, बॉन्ड एंगल 107 डिग्री। देखो एक लोन पेयर से मैक्सिमम 2 डिग्री क्या होता है, झुक जाता है, कम हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो जल्दी से, फिर अगला आओ कोई भी मॉलिक्यूल देखते हैं। आइए देखते हैं ICl2 के बारे में, ICl2- के बारे में। देखो इसका आप निकालेंगे, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है इसमें, 7 होता है, आयोडीन का, क्लोरीन का भी 7 होता है, (2) करेंगे और माइनस का चिन्ह लगाए तो +1 कर देंगे। देखो 7 + 7 = 14 और 14 = 1 तो 7 × 14 = 21, 21 = 22, 22 को किससे डिवाइड करेंगे तुम, डिवाइड करोगे 8 से, तो 8 × 16 हो जाएगा, कितना बचा तुम्हारा 6 बचा क्या, हाँ 6 को किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करो, 2 × 3 = 6 कट जाएगा, 3 × 2 = 5, क्वेश्चन नंबर कितना आ गया तुम्हारा 5, यानी कि तुम्हारा sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। कौन सा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब सेंट्रल एटम देख लो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो कितना है तुम्हारा, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम देखोगे कितना हो गया, पहले कॉन्सेंट कितना है तुम्हारा 5 आया है, 5 में से सराउंडिंग एटम कितना है तुम्हारा 2 है, सराउंडिंग एटम घटाओगे कितना, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, कितना आया 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो sp3d है, sp3d आता है, उसमें कितना आता है तुम्हारा, उसमें तुम्हारा बॉन्ड एंगल कितना होता है 120 डिग्री और 90 डिग्री आता है, लेकिन तुम्हारा इसमें बॉन्ड एंगल कितना आएगा, देखो पहले इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे बनेगा, ICl2- है ना, तो तुम्हारा आई हो गया, एक Cl ऊपर एक Cl नीचे, इस तरह से बनता है ना स्ट्रक्चर इसका। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, तीनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ यहाँ पर क्या होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, इक्विटोरियल पोजिशन पे, और एक्सियल पोजिशन पे क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होते हैं। तो क्या हो गया तुम्हारा ICl2- का क्या है, स्ट्रक्चर हो गया ICl2- का, इसका माइनस का। देखो इसमें देखोगे तो बॉन्ड एंगल कितना पाया जाएगा 180 डिग्री, लीनियर, देखो बॉन्ड एंगल कितना पाया जाएगा 180 डिग्री, ये वाला देखो, और यहाँ से ये देखोगे कितना होगा 180 डिग्री होगा। देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d ज्योमेट्री, ज्योमेट्री कहता क्या होता है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है क्या, नहीं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, पिरामिडल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। शेप देखोगे तो क्या होगा, लीनियर होगा। देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का छुपाव का क्या दिख रहा है तुम्हारा, लीनियर सीधा दिख रहा है, तो क्या होगा तुम्हारा लीनियर, क्या है तुम्हारा शेप क्या हो गया, लीनियर हो गया। बॉन्ड एंगल देखोगे, बॉन्ड एंगल कितना होगा तुम्हारा 180 डिग्री होगा, ना कि कितना होगा तुम्हारा 90 और 120 डिग्री, तुम्हारा कितना होगा 180 डिग्री हो गया। ये सब क्या है तुम्हारा ICl2 के माइनस के बारे में। आइए अब जानते हैं किसके बारे में जानते हैं, SF4 के बारे में जानते हैं, किसके बारे में SF4। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, चलो देखो SF4 मॉलिक्यूल, SF4 देखो, SF4 के बारे में देखोगे
तो इसमें कितना सेंट्रल इलेक्ट्रॉन में कितना, 6 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन? यस, इसमें 7 × 4 तो 7 × 4 = 28, 28 और 6 कितना होता है तुम्हारा, 34 होता है क्या? हाँ कितना होता है, 34 होता है, 28 और 6 = 34 होता है। 34 को किससे डिवाइड करोगे तुम, 8 से डिवाइड करोगे, तो 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, 8 × 32 2 बचा, 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा क्या? हाँ, 5 आ गया, यानी कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3d। कौन सा sp3d, बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए इसका, 90 और 120। देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना। कहाँ रखेंगे फ्लोरीन को, पहले तो रखेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे, उसके बाद 2 एक्जियल पे रख देंगे। कहाँ पे, 2 एक्जियल पे, एक तुम्हारा क्या बचा, एक्जियल पोजीशन, अरे इक्वेटोरियल पोजीशन है। यहाँ पर क्या करेंगे, तुम्हारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे, क्या करेंगे, लोन पेयर ऑफ ही इलेक्ट्रॉन रखेंगे। देखो इसका कैसा स्ट्रक्चर बनता है, कुछ इसके जैसा बनता है, किसके जैसा, इसके जैसा, ये क्या है तुम्हारा, हाँ एक ऐसा स्ट्रक्चर हो गया तुम्हारा। पहले तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3d। ज्योमेट्री क्या हो गया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, क्या ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, शॉर्टकट में लिख दे रहे, नहीं लिख दे रहे पूरे पूरे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो गया। शेप कैसा होगा इसका, शेप देखो कैसा दिख रहा है तुमको, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मिटाओ, देखो कैसा दिख रहा है शीशा, देख कौन सा शेप दिख रहा है, डिस्टॉर्टेड टाइप का दिख रहा है, इसको कौन सा शेप बोलते हैं, इसको हमारे हिसाब से कौन सा शेप बोलते हैं, शीशा शेप बोलते हैं क्या? इसको कौन सा शेप बोलते हैं, शीशा शेप बोलते हैं, कौन सा, सी शेप, कौन सा बोलते हैं, शीशा शेप बोलते हैं। बॉन्ड एंगल इसका देखोगे तो बॉन्ड एंगल कितना आएगा तुम्हारा, 180 डिग्री एक आएगा, एक तुम्हारा बॉन्ड एंगल कितना आएगा, 180 डिग्री आ जाएगा, और ये तुम्हारे कितने आएंगे भैया, 120 डिग्री आएंगे क्या, हाँ 120 डिग्री आएंगे, और 90 डिग्री भी आएगा, ये आपके क्या हो जाएंगे, इसमें बॉन्ड एंगल हो जाएंगे। इसी तरह जो भी मॉलिक्यूल होता है उसका, चाहे जो भी मॉलिक्यूल है उसका क्या करेंगे आप, शेप के बारे में बता सकते हैं, चाहे जो भी मॉलिक्यूल है उसके शेप के बारे में बता सकते हैं, चाहे जो भी मॉलिक्यूल होता है उसके शेप के बारे में बता सकते हैं। IClC- का बताया था नहीं आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है I3- का। I3- में आप देखेंगे जब, तो इसमें आपका देखेंगे 7 होता है क्या, 7 × 3 और + 1 7 × 3 = 21, 1 = 22 होता है क्या, 22 को किससे डिवाइड करोगे, 7 × 3 = 21, 1 = 22 होता है क्या, 22 को किससे डिवाइड करोगे, 8, 8 × 3 = 8 × 2 = 16, 16 कितना बचा तुम्हारा, 6 बचा क्या, 2 से डिवाइड करोगे क्या, हाँ भैया 6 से, हाँ 3 × 2 = 5, कौन सा 8 × 2 = 16, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन नंबर हुआ आपका, sp3d, कौन सा sp3d, sp3d, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp3d। और लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन देखोगे जब, तो सराउंडिंग कितना होगा, एक सेंट्रल में होगा, 2 सराउंडिंग होंगे, तो लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन देख लो, 3 × 2 कितना होता है, 5 होता है, 5 के कारण क्या हो गया, sp3 हो गया। लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन देखो, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम देखोगे, 5 में से कितना घटाओगे, 2 घटाओगे, तुम्हारा कितना, 3, 3 तुम्हारा क्या हो गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्ट्रक्चर इसका देखो कैसा होता है, स्ट्रक्चर इसका इक्वेटोरियल पोजीशन पे पहले मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का रख दो, उसके बाद तुम्हारे जितने बचेंगे तुम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दो, यहाँ पर इसको, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, क्या है तुम्हारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है देखो, बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, शेप कैसा होता है, लीनियर होता है, कैसा होता है, लीनियर होता है। ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होता है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होता है,
हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है, sp3d ये सब क्या है, इसी तरह क्या होता है, सभी मॉलिक्यूल का आप निकाल सकते हैं। आई होप आपने इसको अच्छे से समझा होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले ओके, टाटा बाय।